दोस्तों प्राइम वीडियो पे एक नई कोरियन मूवी को हिंदी में डब करके रिलीज करा गया है। इस मूवी का नाम है प्रोजेक्ट बुल्फ हंटिंग और इस मूवी को देखने के लिए आपको 1.5 घंटे का वक्त देना पड़ेगा और इसके ओरिजिनल लैंग्वेज को में अगर इस मूवी को देखते हैं तो आपको 2 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ, इसके ओरिजिनल जो लैंग्वेज में मूवी आप देखोगे उसमें आपको जो स्लैशर सीन्स है वो सारे दिखाए जाएंगे, लेकिन हिंदी डब में वो सारे स्लैशर सीन्स को काट आउट कर दिया गया है। अगर इसके स्लैशर सीन्स की वजह से आप लोग इस मूवी को देखने जा रहे हो तो रुको जरा, इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि आपको इस मूवी को देखना है या नहीं। तो पहले इस मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ इस मूवी में मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, उसके बाद बताऊँगा आपको इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो चलिए इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो एक कार्गो शिप में कुछ खतरनाक कैदी को कुछ पुलिस वाले फिलीपींस से कोरिया ले जा रहे होते हैं। उसी बीच कुछ कैदी आज़ाद हो जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके सारे पुलिस वाले को मारना शुरू कर देते हैं। मगर इसी बीच एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है इस मूवी में जो कि पूरा गेम बदल के रख देती है इस मूवी का। अब वो बंदा चुन चुन के सारे कैदियों और पुलिस वालों का शिकार करना शुरू कर देता है। वो इंसान कौन है, सभी को क्यों मार रहा है, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई और क्या इस शिप पे कोई बच पाएगा भी या नहीं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। अब इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। मतलब स्टोरी बिल्डअप नहीं किया गया, कैरेक्टर बिल्डअप नहीं किया गया, किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा गया, सभी कैरेक्टर को एक समान रखा गया। इसके स्लैशर सीन्स में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, किसी को भी एक हाथ मारो बंदा मर गया और खून निकलना शुरू, लोगों को मारते वक्त कैसा अजीब सा साउंड सुनने को मिल रहा था और VFX जरा भी रियलिस्टिक नहीं लग रहे थे और कई चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे कि जो लड़का एंड में बच जाता उसके फैमिली के साथ क्या हुआ था और लोगों के ऊपर इस तरह का प्रयोग क्यों किया जा रहा है वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सारी कमियां इस मूवी में मुझे नज़र आई। तो अब कुछ अच्छे चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो अच्छा कुछ था नहीं इस मूवी में मगर हो सकता था, जैसे कि स्लैशर सीन्स को कोरियोग्राफ करके अच्छे से हैंड फाइट में तब्दील करके दिखाया जाता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो इस मूवी में कुछ भी तारीफ करने लायक थी नहीं, इसलिए इस मूवी को मैं रेटिंग करूँगा 2 out of 5। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो मत देखो, इस मूवी में कुछ भी देखने लायक था नहीं और जहाँ तक मेरा मूड ख़राब हुआ इस मूवी को देख के। और अगर आप लोग ऐसी ही मूवी देखना चाहते हो तो आप लोग हॉलोवीन के कई सारे पार्ट आए हैं उसे जाके चेकआउट मार सकते हो, इससे बेहतर स्लैशर सीन्स उस मूवी में देखने को मिलेंगे। एक और नई मूवी आई है चेनसॉ मैसेकर, उस मूवी को भी आप लोग चेकआउट मार सकते हो, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन स्लैशर सीन्स दिखाए गए हैं, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा उस मूवी को देख के, मुझे तो बेहतरीन लगा वो मूवी। तो इस मूवी पे आपका टाइम देना व्यर्थ जाएगा, इस मूवी पे अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप लोग किसी और मूवी को जाके देखें। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए।